श्री सोमनाथ गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में देवाधिदेव भगवान शिव का प्रख्यात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। प्रजापति दक्ष के शाप से क्षय रोग ग्रस्त चंद्रदेव ने यहां पर बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रोग से मुक्ति पाई थी। पुराणों में मान्यता है कि सोमनाथ बाबा का स्मरण करने मात्र से घातक रोगों से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। राजा दक्ष ने चंद्र देव को क्रोध में श्राप दिया था, ब्रह्माज्ञा से चंद्र देव ने शिव का जाप किया था। चंद्र देव को श्राप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए, चंद्र कयश बढ़ाने यही वो सोमेश्वर कहलाए। सौराष्ट्र के सोमनाथ की महिमा होती नहीं बखान, इनके स्मरण से मिल जाता है मन चाहा वरदान। सोमनाथ जी नए रूप में आज भी मन को भाए, इनके दर्शन करने से ही रोग निकट न आए। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश प्रांत में महाबलेश्वर शिवशंकर का प्रख्यात ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। पौराणिक मान्यता है कि मल्लिकार्जुन गौरी शंकर का निवास स्थान है। मल्लिका का अर्थ पार्वती और शिव का वाचक शब्द है अर्जुन। दोनों को एकाकार कर शब्द बना है मल्लिकार्जुन। मानव मन को शक्ति प्रदान करने वाले श्री मल्लिकार्जुन की महिमा अपरंपार है। भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में गौरी शंकर का है निवास, इनका ध्यान लगाने से ही भ्रम बन जाता है विश्वास। मल्लिका अर्थ है पार्वती जी, शिव का वाचक शब्द है अर्जुन, दोनों के एक हो जाने से बना ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे है न्यारी, इनका ध्यान लगाने से ही पुलकित होते नर नारी। पूजन इनका करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाए, तन के कष्ट सभी मिट जाते, मन को शक्ति मिल जाए। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन जिले में
बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में आलेख है कि वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण अपने घर पर नित्य शिव पूजन करता था। दूषण नामक एक दैत्य ने अपनी विशाल सेना लेकर उस ब्राह्मण के घर पर आक्रमण किया। तब महाकालेश्वर बाबा ने प्रकट होकर दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। मान्यता है कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वालों को शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अवंती नगर में वेत्रिय नामक रहता था एक ब्राह्मण, घर में अग्नि के कर के स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने, नाम था जिसका दूषण, अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रकटे शिव शंकर बन के महाकाल, दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो, श्री ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के समीप महादेव शिव का प्रख्यात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। विंध्याचल पर्वत ने बाबा भोलेनाथ की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। साक्षात ओंकार क्षेत्र में बाबा के दर्शन प्राप्त कर विंध्याचल पर्वत ने अपना जीवन धन्य किया। भक्तों में धारणा है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीव आवागमन से मुक्ति पाकर शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया, साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना, शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ, शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता, मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में वो फिर से नहीं आता। ओंकार शिव की जय हो, 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 ओंकार शिव की जय हो,
श्री वैद्यनाथ बिहार प्रांत में शिवशंकर का प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। लंकेश्वर रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ ने लंका ले जाने के लिए उसे अपना आत्मलिंग प्रदान किया, किंतु रावण उसे लंका न ले जा सका। बाबा की इच्छा से वही आत्मलिंग वैद्यनाथ अथवा रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। बम बम बाबा वैद्यनाथ के स्मरण मात्र से भक्तों को इच्छित वरदान प्राप्त होता है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। रावण सम्मुख प्रकटे लिंग से शिव बोले, ऐ रावण मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो तुम तत्क्षण। रावण हो के विनीत ये बोला, प्रभु कृपा ये करिए, दे आशीष आप मेरे संग मेरी लंका चलिए। शिव बोले ये कठिन है रावण, जो मैं दूँ वो पाओ, मेरे उत्तम लिंग को ही तुम अपने घर ले जाओ। शिव के मुख से सुन के वचन ये असुर राज मुस्काए, शिव का ज्योतिर्लिंग बिहार में वैद्यनाथ कहलाए। वैद्यनाथ शिव की जय हो, 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 वैद्यनाथ शिव की जय हो। श्री भीमा शंकर महाराष्ट्र प्रांत के पूना जिले के पास शिव शंभु का प्रख्यात भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। सुदीक्षण नामक व्यक्ति द्वारा निर्मित शिवलिंग का एक बार कुंभकर्ण का पुत्र भीमाशंकर अपमान करने लगा। सुदीक्षण की रक्षा के लिए स्वयं महादेव प्रकट हुए और भीमाशंकर का हुंकार मात्र से वध कर डाला। भक्तों के भय का नाश करने वाले बाबा भीमाशंकर की महिमा अपरंपार है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। पूर्व काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया, अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया, करने लगा अपमान वो शिव का, क्रोध में था भरमाया। वार लिंग पे करने लगा वो, भीमेश्वर जी प्रकट हुए, भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए, उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, 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 जय जय भीमा शंकर। श्री रामेश्वरम
तमिलनाडु के सागर तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा निर्मित एवं पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। कथा है कि सेतु बंधन के पश्चात श्री राम ने लंकेश्वर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव आराधना की और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। त्रेता युग में रावण ले गया सीता को जब हर कर, वानर सेना के संग आए राम समंदर तट पर, बना के शिवलिंग जाप किया तो शिव शंकर जी प्रकट हुए, प्रेम से पुरुषोत्तम से बोले वर मांगो तुम मुझसे प्रिय। कहा राम ने सर्वप्रथम मैं आपको शीश नवाऊं, दीजिए वर ये की रावण पे विजय श्री मैं पाऊं, विजय अवश्य तुम्हारी होगी कह भोले मुस्काए, दक्षिण दिशा में होके स्थापित रामेश्वर कहलाए। रामेश्वर की जय हो, 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 रामेश्वर की जय हो। श्री नागेश्वर गुजरात प्रांत के दारुक वन क्षेत्र में जगदीश्वर शिव का प्रख्यात श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में कथा है कि दारुक असुर के कारागृह में सुप्रिय नाम का एक ब्राह्मण था जो अपने संगी साथियों के साथ नित्य शिव पूजन करता था। सुप्रिय को दारुण कष्टों से मुक्ति प्रदान करने नागेश्वर बाबा नागेश्वरी शिवा के साथ पधारे। धारणा है कि श्री नागेश्वर बाबा के दर्शन मात्र से भयानक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। दारुक असुर के कारागृह में सुप्रिय नाम का ब्राह्मण साथियों संग नित भक्ति भाव से करता था शिव पूजन। चार कपाट का एक मंदिर तब वहाँ यकायक प्रकट हुआ, इसके संग ही फैली वहाँ पे ज्योतिर्मय शिवलिंग की छटा। वही शिवा नागेश्वरी के संग शिव शंकर जी आए, ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव नागेश्वर कहलाए। ये वो ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मन वांछित फल मिलता, दुख के पतझड़ में भी यहाँ पे फूल खुशी का खिलता। नागेश्वर की जय हो, 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 नागेश्वर की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ मानव मात्र को पाप से मुक्ति प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश प्रांत के वाराणसी जिले में
स्वयं भोलेनाथ द्वारा निर्मित श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव गणों ने इसी स्थान पर बाबा विश्वनाथ की पशुपत योग से उपासना की तथा शिव गण होने का सम्मान प्राप्त किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाला निश्चित भोलेनाथ को शिव गण के समान प्रिय है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। काशी नगरी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, मुक्ति धाम है ये काशी जो शिव जी का है प्रिय नगर। अविमुक्तेश्वर लिंग है जिसकी स्वयं प्रभु ने स्थापना की, इस लिंग के हर शिव गण ने पाशुपत योग से पूजा की। यही पे प्रकृति और पुरुष ने शिव शक्ति का ध्यान किया, उनको अर्पित होके अर्जित यही पे मन का ध्यान किया। काशी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा कहीं न जाए, इनके दर्शन करके मानव पाप से मुक्ति पाए। विश्वनाथ शिव की जय हो, 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 विश्वनाथ शिव की जय हो। श्री त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि और माता अहिल्या की साधना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने जिस स्थान पर उन्हें साक्षात दर्शन दिए वो स्थान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले त्र्यंबकेश्वर बाबा की महिमा का शब्दों में बखान करना असंभव है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। लिंग बना के गौतम ऋषि जब शिव की साधना करने लगे, तब गौतम अहिल्या सम्मुख शिव शंकर जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि की सुन के प्रार्थना गंगा गौतमी भी आई, वहाँ की गंगा गौतमी बाद में नदी गोदावरी कहलाई। भोलेनाथ का ज्योतिर्मय लिंग तब से त्र्यंबक कहलाया, मनोवांछित फल पाया जिसने इनका दर्शन पाया। श्रद्धा से जो आते यहाँ पे होते मनोरथ उनके सफल, शिवमय होके रह जाता है उनके जीवन का हर पल। शिव की जय हो, त्र्यंबक 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 शिव की जय हो। श्री केदारेश्वर उत्तर प्रदेश के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा है कि नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न
शिव शंकर ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बाबा से वहीं विराजने की प्रार्थना की। प्रसन्न बाबा केदारनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर हिमालय पर अपना निवास बनाया। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्त को सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन, दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो, दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए, वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है पा जाता है अंधन। केदार शिव की जय हो, 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 केदार शिव की जय हो। श्री घुष्मेश्वर महाराष्ट्र प्रांत के देवगिरी पर्वत क्षेत्र में एक निसंतान शिव भक्त ब्राह्मण सुधर्मा रहता था। उसके दो पत्नियां थी, घुष्मा और सुदैहा। शिव कृपा से घुष्मा माता बन गई तो सौत डाह से सुदैहा ने उसके पुत्र को मारकर सरोवर में फेंक दिया। तब श्री घुष्मेश्वर बाबा ने प्रकट होकर घुष्मा पुत्र को जीवन दान दिया तथा श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जन जन का कल्याण किया। के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे, पत्नी सुदैहा घुष्मा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदैहा केवल घुष्मा, शिव कृपा से माता जो बनी, निसंतान सुदैहा तड़पी डाह से उसकी भ्रुकुट तनी। घुष्मा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर, घुष्मा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर की। सुदैहा ने क्षमा याचना भोले नाथ जी मुस्काए, घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए,